तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्लच विद केयर। सो सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूं कि लगभग डेढ़ महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, बट उसी कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। कुछ काम था ऑफिस का, या कहूँ वर्कलोड था, प्रेशर था, उसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। बट खैर कोई नहीं, अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी फिर से जैसे पहले आ रही थी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ। एंड सोचा कि दिन में तो काफ़ी धूप रहता है, अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है, कोई नामो निशान नहीं है। एक आध दिन बारिश हुआ, उसके बाद बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर 38 to 40 रहता है, बट ह्यूमिडिटी के कारण वो टेम्परेचर जो है 50 के करीब लगता है। सो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लोग गोरखपुर से होंगे वो तो पहचान चुके होंगे मैं किस ब्रिज से अभी क्रॉस कर रहा हूँ, किस ब्रिज पे हूँ। ये गोरखनाथ का ओवरब्रिज है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है तिरंगे रोशनी में। इस पे जो पोल पे ये झालर वगैरह लगाए गए हैं, इसका जो कलर है बहुत अच्छा लग रहा है इसकी वजह से। तो रात का एक वीडियो बनाने निकल पड़ा हूँ आज। सोचा कि अभी तक तो आपको काफ़ी दिन की काफ़ी वीडियोस दिखाई है मैंने, एंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जो दिन का है वो दिखाया है। बट अभी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ एक नाइट ग्लिम्प्स दे दूँ कि रात में जो है गोरखपुर सिटी कैसा लगता है। एंड पिछले कुछ समय से गोरखपुर सिटी में अगर मैं रात के व्यू की बात करूं तो रात में कैसा लगता है और क्या डेवलपमेंट हुआ है रात में अगर देखूं, क्योंकि किसी भी सिटी का जो बेस्ट व्यू आता है वो उसके नाइट व्यू से ही पता चलता है, राइट। जो लोग इससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे वो समझ चुके होंगे। हाँ, तो अभी फिलहाल मैं तरंग ओवर ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर जो है तरंग ओवर ब्रिज है, तरंग ओवर ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ। आप लाइट देख के समझ चुके होंगे मैं धर्मशाला वाली रोड पे हूँ, और ये हेरिटेज लाइट जो कि मेरे मैक्सिमम वीडियोस में आप देखते होंगे कि ये लाइट मैं आपको दिखाता हूँ, बट आज रात में आपको ये लाइट दिखा रहा हूँ चलते हुए। ऐसे तो मैं दिन में दिखाता हूँ, बट रात में आपको दिखा रहा हूँ चलते हुए लाइट। तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मौसम शाम को थोड़ा ठीक ही हो जाता है। अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, पसीने वगैरह उतने नहीं होते हैं, ठीक है। दिन में काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है फिलहाल, टेम्परेचर वही 31-32 के करीब में है, ठीक है। गाड़ी पे उतना पता नहीं चल रहा है, बाइक पे। सो ऐसा कुछ व्यू है हमारा, बगल से रेलवे ट्रैक जा रहा है, और ये जो है धर्मशाला बाजार का रोड है जो गोरखनाथ से धर्मशाला के लिए जाता है। तो ऐसा कुछ व्यू है रात में, ऐसा कुछ लगता है। आगे चलता हूँ, आगे चल के आपको और जो कुछ अच्छा व्यू है वो मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यही शायद दिख रहा होगा, वो ग्रीन कलर का लाइट दिख रहा है, वो धर्मशाला ओवर ब्रिज है। आप देख सकते हैं जैसे सामने से जा रहा है धर्मशाला ओवर ब्रिज, तो उसके जो पोल्स हैं, खंभे हैं, उस पर ये कलर लगाया गया है। आगे आप देखिए ये ग्रीन लाइट देख रहे हैं, काफी खूबसूरत लग रहा है। और इसी के साथ साथ इधर एक आप देखिए ऑरेंज या सैफ्रॉन लाइट आप कह सकते हैं, उस तरह का लाइट लगाया हुआ है। इस पर काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है, शंकर भगवान है, गोरखनाथ भगवान है, तो इस तरह की। और ये देखिए फिर यहाँ पे व्हाइट लाइट है, तो इधर भी कुछ तिरंगे की तरह फिनिश देने का काम किया गया है। तो अब मैं लेफ्ट साइड मुड़ चुका हूँ धर्मशाला बाजार चौक से, और ये रोड जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा ये रोड जाता है स्टेशन की साइड। तो वही हेरिटेज लाइट इधर भी लगा हुआ है, गोरखनाथ से लेके इधर पूरा आपका यातायात चौक तक ये लाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ इधर भी नजारा है, और यहाँ पे भी ITMS सिस्टम काम करने लग गया है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो रूल अगर आपने तोड़ा तो फाइन से आपको तोड़ा जाएगा, तो रूल ना तोड़े आप। स्क्रीन वगैरह भी यहाँ पे लगा दिया गया है जिसपे सेफ्टी रूल्स के बारे में आपको बताया जाता है। तो फिलहाल रेड लाइट है, मैं रुक जाता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। तो क्रॉसिंग खुल चुका है, ग्रीन लाइट हो चुकी है, हमें मुड़ना है राइट साइड, यातायात चौक इसे कहते हैं। आप देख सकते हैं इसे यातायात चौक कहते हैं, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। रात में ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिन के मुकाबले, क्योंकि दिन में शायद भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है तो वो लुक नहीं आ पाता है। फिलहाल इधर भी आप देख सकते हैं ये झंडे, हमारा जो शान है तिरंगा, उसके कलर में यहाँ भी जो है पोल्स को LED लाइट से पूरा सर्कुलेट किया गया हुआ है। और ये रहा सिटी मॉल, हमारे
सिटी का सबसे पहला मॉल, काफी खूबसूरत कर दिया है इसको भी। तो वही मैं कह रहा था कि अगर वीडियो अच्छी लगती होगी आप लोगों को तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, लोगों को दिखाइए कि एक सिटी कैसे चेंज होता है डे टू डे। तो फिलहाल तो मैं अपनी सिटी के को बहुत बचपन से जानता हूँ, पहले से जानता हूँ, तो क्या प्रोग्रेस हुआ है अगर मैं कहूँ तो। ये आपके लेफ्ट साइड में अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, आप डोमिनो वगैरह मिल जाएगा आपको। तो अभी मैं फिलहाल जिस रोड पर हूँ, ये पार्क रोड है, ये होटल है पार्क एजेंसी, एंड राइट साइड में ये वेस्ट साइड है टाटा का, और ऊपर रंगरेजा रेस्टोरेंट है, काफ़ी बेहतरीन रेस्टोरेंट है। जो लोग गोरखपुर से या जो लोग गोरखपुर विजिट करते हों आसपास से, वो ज़रूर इस रेस्टोरेंट में एक बार आएँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ मैं आ चुका हूँ यूनिवर्सिटी चौक पे, और यहाँ पे भी लगा हुआ है रेड लाइट, सो वी शुड स्टॉप हियर जब तक ग्रीन लाइट ना जल जाए। तो सिग्नल हो चुका है खाली। हम जिस रोड पे चल रहे हैं इसे हम कहते हैं मोतीपुर रोड, ये यूनिवर्सिटी से आपको मोतीपुर तक ले जाएगा, ठीक है। और काफ़ी चौड़ा कर दिया है इस रोड को, काफ़ी खाली भी है फिलहाल, रात का समय में भी उसकी वजह से खाली हो, अदरवाइज ये तक खाली रहता नहीं है। तो इसका भी व्यू कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप इस वीडियो के थ्रू नाइट व्यू देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो गोरखपुर सिटी है पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलप कर चुका है। तो पीछे कोई हॉन्ग कर रहा है हॉर्न, अपना फालतू का हॉन्ग कर रहा है, इतना चौड़ा रोड है फिर भी निकल सका था, फिर भी हॉन्ग कर रहा है। आदत है पुरानी, धीरे धीरे जाएगी जब चालान वगैरह कटेंगे। तो लेफ्ट साइड जो मेरा है इधर से जो जा रहा है, ये आप देख सकते हैं रेलवे म्यूजियम है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए रेलवे म्यूजियम, ठीक है। और ये रोड पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे रेलवे से रिलेटेड, जैसे ये आपका जनरल मैनेजर का जो है ऑफिस है, जीएम ऑफिस, तो इसमें जो है सारे लोग नहीं जा सकते, इसमें चेकिंग होती है काफ़ी ज़्यादा, पहले नहीं होती थी अब होती है। रेड लाइट मिल चुका है, अब हम पहुंच चुके हैं मोहद्दीपुर चौक, ये और ये सबसे बिजिएस्ट चौक में से एक है। हम गाड़ी को यहाँ रोकते हैं और वेट करते हैं। तो लाइट हो चुकी है ग्रीन, अब जैसे जैसे गाड़ी बढ़ेगी अपन भी निकल लेंगे आगे, और ऐसा ना हो कि मेरा चांस आते आते फिर से लाइट जो है वो रेड हो जाए, क्योंकि काफ़ी बिजी चौक है ये। चल भाई चल 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 भाई चल आगे चल। तो सीधा मैं ना जाके, ये आपको सामने रेडिसन होटल दिख रहा होगा, रेडिसन ब्लू 5-स्टार होटल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे शहर में जो पोल्स हैं इस पर इस तरह का तिरंगे के रूप में LED लाइट लगी हुई है, जिसे हम झालर भी कहते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और इससे एक्चुअली क्या है कि एक इंसान के अंदर जो है अपने देश के प्रति थोड़ा सा एक जज्बा भी आता है, और देश के प्रति एक जुनून भी आता है। तो इस तरह की चीज़ें मैं चाहता हूं कि हर सिटी में हो। फिलहाल यूपी में तो मैंने देखा है, कई सिटीज़ में, लखनऊ में भी है, नोएडा में भी है, गाज़ियाबाद में भी है, एंड इवन मैंने दिल्ली में भी देखा है इस तरह का है। तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो सिटीज़ है वहाँ पर इस तरह का आपको जो है LED लाइट देखने को मिलता है पोल के ऊपर। ये जो है आपका सिटी का सबसे खूबसूरत एरिया, वेलकम टू गोरखपुर, ग्रीन गोरखपुर, सुपर्ब। तो इधर ऑर्नामेंटल लाइट्स काफ़ी अच्छी अच्छी लगाई जा चुकी हैं, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ पड़ा है, बट अभी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें सुधार किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट उसको सुधार कर, मतलब इस एरिया को ऐसा बनाया जा रहा है कि बाहर से लोग यहाँ आएँ, बड़े बड़े शहरों से आएँ, और जो लोग इधर नहीं आते थे पहले अब वो आएँ। मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में जो है आपको बेहतरीन और सुंदर गोरखपुर की शान रामगढ़ ताल दिखेगा, ठीक है। तो अभी तो रात है इसकी वजह से उतना क्लियर दिख नहीं रहा है, बट दिन में इसका व्यू जो है दिन में आता है, बट इस एरिया का जो व्यू आता है वो रात में आता है। तो मैंने सोचा कि इस एरिया का आपको एक बार व्यू दिखा दूँ। और फिलहाल पहले जो रेलिंग थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, टूट भी गई थी, तो उसको हटा के अब यहाँ पे न्यू रेलिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो न्यू रेलिंग जो है वो काफ़ी मजबूत और आयरन वाली रेलिंग है, काफ़ी मजबूत है, और लाइट्स भी लगाए जा रहे हैं। इवन साइड में आपका जो है फुटपाथ टाइप का बताया जा रहा है, तो जो फुटपाथ बनाया जा रहा है उससे फ़ायदा ये होगा कि इधर गाड़ियाँ वगैरह नहीं खड़ी हो पाएंगी। और इधर आपको दिखा सकता हूँ, ये सर्किट हाउस है,
तो आप लोगों को पता ही होगा सर्किट हाउस क्या होता है। सर्किट हाउस वो जगह होती है जहाँ पे आपके वीवीआईपी लोग जब आते हैं आपके सिटी में तो उनके ठहरने की व्यवस्था की जाती है। बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत जगह है सर्किट हाउस। एंड इधर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये क्या है भाई, आर्यवर्त, आई थिंक हॉस्पिटल वगैरह है, आर्यवर्त हॉस्पिटल। और इधर भी एक बिल्डिंग बन रही थी जो कि बन के तैयार हो गई है, इसको हम लोग लोक भवन कहते हैं। और इधर आपका इंटरनेशनल ऑडिटोरियम भी है, कम्प्लीटली सेंट्रली एयर कूल्ड, पूरा सेंट्रलाइज एसी उसमें लगा हुआ है। तो बड़े बड़ी जो नाटक समूह होती है वो यहाँ पे आके, या कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसको यहाँ पे लोग आके परफॉर्म करते हैं। तो इस साइड में केके ग्रुप का भी कुछ बन रहा है, तो ऐसा ही कुछ बनता रहता है। इधर तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गया, जीडीए के हाथ में जब से आया ये एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नाइट व्यू आपको कैसा लगा, रात में गोरखपुर कैसा दिखता है, गोरखपुर के रहने वाले भी ये बताएं और गोरखपुर से बाहर के लोग भी ये बताएं। काफ़ी खूबसूरत लग तो रहा है फिलहाल, अब ऐसा ही ब्यूटी मेंटेन किए रहे, ऐसा ना हो कि कबाड़ टाइप का हो जाए कुछ। वैसे होगा नहीं क्योंकि पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका है। तो इधर भी एक बस स्टैंड है मेरे राइट साइड पर था, जिसे हम कहते हैं कचहरी बस स्टैंड। फिलहाल मेरे सामने जो चौराहा आपको दिख रहा है ये भी काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, इधर भी सिग्नल लगा हुआ है तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, इधर मेरा वाइज मेरा चलान कट जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई चलान कटे। तो मेरे सामने इस वीडियो में भी आप जो चौराहा देख रहे थे इसे हम कहते हैं भीमराव अम्बेडकर चौराहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौराहा, ठीक है। काफ़ी बड़ा चौराहा है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट चौराहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी कैंट की रोड और गोलघर जाने वाली रोड दोनों आके मिलती है। आप देख रहे होंगे यहाँ रेलिंग पे गमले वगैरह लगे हैं, उसमें काफ़ी फूल पौधे भी लगे हुए हैं, तो अच्छा इनिशिएटिव है। और अब जिस मैं चौराहे पर आ पड़ा हूँ इस पर भी सिग्नल लगा है फिलहाल, और ये जो चौराहा है इसे हम कहते हैं शास्त्री चौक। काफी खूबसूरत लग रहा है यार ये एरिया। तो इधर आपके झरने वगैरह लगाए गए हैं, ग्रीन गोरखपुर का बोर्ड लगाया गया है, नगर निगम एरिया कह सकते हैं आप इसे, इधर क्योंकि नगर निगम का जो ऑफिस है वो भी इसी साइड में है, तो ये एरिया तो खैर अच्छा होना ही चाहिए। तो इस चौराहे को कहते हैं हम लोग कचहरी चौराहा, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है और सिग्नल खुल चुका है, तो अपन सीधा चलते हैं जल्दी, जिस पर हम चल रहे हैं पूरा मार्केट गोलघर मार्केट के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर आपको सुई से लेकर तलवार तक की चीज़ मिल सकती है, पूरे पूरे चांसेस हैं, जो कहीं नहीं मिलेगा वो आपको जरूर यहाँ मिलेगा। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव मार्केट है मैं मानता हूँ, क्योंकि भाई मेन सिटी का एक एरिया है तो आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा अच्छा खासा, लेकिन इस एरिया में आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज़ की शॉप है इधर, हर चीज़ की शॉप है, होटल वगैरह सब कुछ, रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी हैं ज़्यादा इधर, ठीक है। तो वीडियो को अब समाप्त करने का समय आ चुका है। ये मेरे लेफ्ट में बलदेव प्लाजा, सबसे पुराना जब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो ये एज ए मॉल काम करता था हमारे लिए, ये हो गया एक मंगलम टावर हो गया। और जिस चौराहे से मैं निकल रहा हूँ फिलहाल इसे हम गणेश चौराहा भी कहते हैं, और या तो आप इसको गोलघर चौक भी कह सकते हैं, फिलहाल इसको ज़्यादातर लोग जो है गणेश चौक के नाम से जानते हैं। और ये जो चौक है आपका इसे हम काली मंदिर चौक बोलते हैं, और काली मंदिर चौक क्यों बोलते हैं अभी मैं बता दे रहा हूँ।
जो हमारे लेफ्ट साइड है आप देख सकते हैं, बहुत ही सिद्ध और बहुत ही प्राचीन काली मंदिर है ये, ठीक है। इस वजह से इसे हम काली मंदिर चौक भी कहते हैं, अदरवाइज इसे हम पटेल चौक भी कहते हैं। पटेल चौक समझ ही रहे होंगे, पटेल चौक क्यों बोल रहा हूँ मैं, पटेल चौक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चौक पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति लगी हुई है। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।